वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज हैं ऐसी जगह पे जो कि बहुत ही फेमस है और जो हमारा सीरीज है हाइप वर्सेस नॉन हाइप प्लेसेस हैं, जो जॉइंट्स हैं दिल्ली के अंदर, उसको हम कर रहे हैं कवर। और आज मैं हूँ नटराज दही भल्ला, जो कि चांदनी चौक के अंदर है। और ये जो जॉइंट है, हर कोई ऐसा मतलब बंदा डिलीट नहीं होगा जिसने इस जॉइंट पे कभी मतलब भल्ले ना खाए हों और टिक्की ना खाई हो। तो यहाँ पे आज हम करेंगे इनके भल्लों को टेस्ट और बताएंगे कि कैसे है टेस्ट, किस हिसाब से यहाँ भल्ले बनाए जाते हैं। और ये देखिए, ये हो गई टिक्की और आगे बन रहे हैं छोटा सा एक काउंटर। तो भल्ले दिए जा रहे हैं, 60 रुपीज़ प्लेट है और आलू टिक्की भी 60 रुपीज़ प्लेट है। तो लुक एट द क्राउड, यहाँ पे लोग आते हैं। ये जो पीछे की लेन है, ये मेट्रो से कनेक्ट होती है, पैकिंग हो रही है और सातों सात टिक्की बन रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और सातों सात फिलिंग करी जा रही है, इसके अंदर सेव डाले जा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर भी है इनका। तो करते हैं हमारे भल्लों को टेस्ट। और कहाँ गए हमारे मित्र, और मित्र के हाथ में है एक फिर से। ये देखिए कितने बढ़िया सी डिश को पेश कर रहे हैं नटराज दही भल्ले। एक बार फिर से चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज हमें लेके आए हैं ये सेट, जो कि कहाँ कहाँ घुमाएंगे आज? आज हम आपको चांदनी चौक के नजरिए दिखाएंगे, खाने के नजरिए दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट है। और यस बिल्कुल, ये रहा आपका चम्मच, यहाँ गया। और ये रहे नटराज के दही भल्ले, इसको अच्छे से दिखाइए क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें। और ये जो सीरीज का नाम है हाइप वर्सेस नॉन हाइप जो प्लेसेस हैं दिल्ली के, आज हम उसको दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, भल्ले के भल्ले सौंठ अलग कर देंगे उसके अंदर से। तो गाइस देखिए, ये है 60 रुपये भल्ले की प्लेट, जो कि नटराज जैसे दही भल्ले वाले ने पेश करी है हमें। और ये थोड़े थोड़े से हैं, इसमें दो भल्ले दिए गए हैं हमें, दही है और ये हल्का हल्का सा अनार है इसके ऊपर। तो करते हैं इसको टेस्ट। और इसके अंदर डाला गया है काफ़ी मसाला डाला गया, ये देखिए काला काला सा है, गरम मसाला है, ये जो भी मसाला है इनका, इसको कर रहे हैं टेस्ट। आपने पहले खाए हैं? पहले बिल्कुल खाए हैं हमने। क्या इम्प्रेशन है आपका? हमारे को तो एवरेज ही लगे थे, बाकी अब आप बताएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत रहूँगा, क्योंकि मैंने भल्ले खाए हैं, सरोजनी नगर के खाए हैं, शाही दही भल्ले खाए हैं और काफ़ी और जगहों के खाए हैं, बट ये जो दही भल्ले हैं जिस हिसाब से मैंने टेस्ट किया, काफ़ी मतलब नॉर्मल से भल्ले लग रहे हैं। आप दिखाइए, नॉर्मल से भल्ले हैं, मैं ये कहूँगा ज़्यादा मिर्ची नहीं, कुछ नहीं, सॉल्ट ज़्यादा नहीं, एक नॉर्मल सा जो टेस्ट है ब्लेंड हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट इट्स नॉट एन एक्सेप्शनल। जिस हिसाब से यहाँ का नाम है, उस हिसाब से दाम या फिर जो हमें चीज़ दी गई है, मैं ये कहना चाहूँगा उस लेवल पे नहीं है। मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ यहाँ के दही भल्ले और मुझे काफ़ी एवरेज से दही भल्ले लगते हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। और आप भी करिए टेस्ट और हमें बताइए कि कैसे लगता है आपको। ये रहा आपका चम्मच, ये लीजिए, ये देखिए आपके बैग में लगाया गया हमने। और बताइए कैसा है टेस्ट। ये देखिए कितनी जेंटली से छोटा सा चम्मच भरते हुए, क्योंकि ठीक है ठीक है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ठीक है, मतलब नटराज के भल्ले, वाह भाई वाह, नाम है उतना काम में उतना दम नहीं है। देखिए ये इनका भी यही कहना है कि जिस हिसाब से नाम है, जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ें लगी हुई हैं, लोग खा रहे हैं, उस हिसाब से इनके दही भल्लों में हमें दम नहीं लगा। क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप? देखिए हमारे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा आप लगे ढाई ढाई, पांच में से भाई कितना भी मत गिरा, नटराज वाला रो पड़ेगा। तो गाइस इट्स ओके, ढाई में मैं चार और ऐड करूंगा, 6.5। तो ढाई में मैंने आपका जेन्युइन रिव्यू लेते हुए उसमें चार और ऐड किए और इसकी रेटिंग देते हैं हम 6.5 out of 10। सो यू व्हाट शुड वी से, लाइक नाम बड़े और
दर्शन छोटे। तो ये एक और से हमने जो कवर किया आपके लिए नटराज नहीं बल्ले, जितनी हाइप है यहाँ पे दुनिया पागल हो जाती है, मेट्रो से उतरते लाइन में लग जाते हैं, पहले भल्ले खाने जैसे क्या बोलते हैं चरनामत लेके जाना है चांदनी चौक में। तो गाइस मिसलीड मत हुई है, मतलब ऐसे नाम से, बट हाँ अगर हमारे रिव्यूज को आप पसंद करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने नोन्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, और एक रियलिटी को जानिए, क्योंकि बिंज गुरु देता है आपको एकदम जेन्युइन सा रिव्यू। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गुड बाय।